हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बताया था कि रेलवे ग्रुप डी में मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो मेडिकल के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दिया जाता है जो हॉस्पिटल लेके जाना रहता है। तो हम अपना जो डॉक्यूमेंट मिला था, वो जो स्लिप मिला था, हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन सा स्लिप दिया गया था जो हॉस्पिटल में लेके जाना था। तो उस समय मेरा 16 रुपये के आसपास जो मेडिकल चार्ज था वो लगा था, लेकिन अब शायद 24 रुपया हो गया, क्योंकि अभी मेरा लोको पायलट का जब हुआ था तो 24 रुपया लगा था। तो हम आपको स्लिप दिखाते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा, और वही आपको हॉस्पिटल में ले जाके मतलब जमा करेंगे तो आपका मेडिकल होता है। तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं, और अगर मेडिकल संबंधी जानकारी चाहिए तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसको हम कमेंट में पिन कर देंगे। तो देखिए, ये जो मेडिकल फ़ीस कटा था उसका रसीद है। इसमें मेरा नाम, ये फादर नेम, और ये नीचे मेरा एड्रेस पड़ा हुआ है, और उसके नंबर उसके नीचे ये देखिए जो वैकेंसी का वो डिटेल था वो पड़ा हुआ है, CN2/2018। उसके नीचे लिखा है मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ीस 16 रुपया जो कटा था, और ये मेरा NER बोर्ड से था तो उसका पूरा डिटेल इसमें पड़ा हुआ है। तो ये 16 रुपये का जो रसीद मिला है इसको भी लेके जाना रहता है हॉस्पिटल में। और इसके बाद हम आपको दूसरा एक पर्ची दिखाते हैं जो मेडिकल मेमो है। उसके बाद ये देखिए, ये मेडिकल मेमो है, इसमें मेरा PET ID पड़ा हुआ सबसे ऊपर, उसके बाद डॉक्टरी मेमो का जो सीरियल नंबर होता है वो पड़ा हुआ है, और उसके नीचे डेट पड़ा हुआ है जिस डेट में आपको मेडिकल होगा वो डेट पड़ा हुआ है, और उसके नीचे देखिए इज्जत नगर का कोड है IZN, जहाँ पर हमारा मेडिकल होगा उसका ये डिटेल पड़ा हुआ है। उसके नीचे मेरा नाम, वो फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब। और ये देखिए, ग्रुप डी के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो लिखा हुआ है A2 and below, यानी कि या तो A2 रहना चाहिए, उसके नीचे का भी कुछ पोस्ट के लिए लिया जाता है, और A1 level का मेडिकल तो लोको पायलट के लिए लिया जाता है। उसके नीचे ये मेरा फ़ोटो चिपका के और वेरीफाई किया गया है, और उसके नीचे आप जाएँगे तो ये देखिए मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखा हुआ है, उसके नीचे थंब और सिग्नेचर मेरा पड़ा हुआ है, और ये जो रेलवे भर्ती सेल है उनका सिग्नेचर है। तो ये पूरा डिटेल था जो फीस रसीद और मेडिकल मेमो में दिया रहता है। तो जब आपका DB हो जाता है तो लास्ट में आपको ये मेडिकल मेमो और फीस का रसीद दे के, और आपको जिस हॉस्पिटल में मेडिकल कराना है वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो यही आपको बताना था, और रेलवे संबंधित और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए फिर बाद में मिलते हैं, धन्यवाद।